नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो आज का जो टॉपिक है मॉडल टेस्ट पेपर 6 है, MSN की क्लास है GI सिस्टम, जिसमें कि आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स मिलने वाले हैं, प्लस आपको इम्पॉर्टेंट प्रीवियसली आस्क MCQs मिलेंगे जो कि GI सिस्टम पे हर एक एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली आस्क होते हैं। तो आज की वीडियो एंड तक देखना, बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। और एक और छोटी सी बात बोलना चाहूँगी दोस्तों आप सभी से कि वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हमारे अंदर ये एक आदत होती है कि हम सुनना कम चाहते हैं, हम बस बोलना ज़्यादा चाहते हैं। तो इसलिए सुनना चालू करो, सुनने से सीख पाओगे, बोलने से सीख नहीं पाओगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक सुनना ज़रूर, ठीक है, तभी आप कुछ नया सीख पाओगे दोस्तों। तो इतनी सी बात आप तक पहुंचानी थी मुझे, अब जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए। तो पहला पॉइंट जो आप सामने देख सकते हैं, पहला पॉइंट आपका ये लिखा हुआ है द एवरेज लेंथ ऑफ GI ट्रैक्ट। GI ट्रैक्ट की बात हो रही है। अब आपको पता होना चाहिए GI ट्रैक्ट किसे बोलते हैं। GI ट्रैक्ट जो है हमारा माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है, माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे कंप्लीट होता है, ठीक है। माउथ टू एनस जो ये सिस्टम है, ये पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है और इसकी जो लेंथ होती है, एवरेज जो लेंथ होती है वो होती है 7 से 9 मीटर, यानी कि 23 से 30 फीट तक की लेंथ एवरेज होती है, ठीक है। अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है NORSET 2020 का, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी लीड्स टू ब्लीडिंग गम्स। अब यहाँ ब्लीडिंग गम्स की बात हो रही है कि ब्लीडिंग गम्स कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, विटामिन सी, ए, बी एंड के। आपका राइट आंसर मैं बता देती हूँ आपको, वो है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से ब्लीडिंग गम्स देखे जाते हैं, या स्कर्वी भी बोल सकते हैं इस कंडीशन को हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओरल वाइट पैच। माउथ में यहाँ पे आपके टीथ हैं, टंग है। अब टंग में आपका जो वाइट पैचेस होते हैं जो कि इन्फेंट्स में देखे जाते हैं, और साथ ही साथ वो टच करने से ब्लीड भी कर जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं उस टर्म को, पेनसाइटोपेनिया, ल्यूकोप्लाकिया, ल्यूकोपेनिया एंड माइलोमा। आपका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों ल्यूकोप्लाकिया, ठीक है, ल्यूकोप्लाकिया बोलेंगे उसे हम, जो वाइट पैचेस ओरली देखे जाते हैं, कॉमनली सीन इन इन्फेंट्स। यहाँ पे आपको नेक्स्ट पॉइंट्स दिखा देती हूँ। पहला पॉइंट है एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम इंसीजर टीथ टू द टॉप ऑफ स्टमक। अब इंसीजर टीथ जो है हमारे, वहाँ से लेके स्टमक के टॉप तक की जो लेंथ होती है वो होती है 38 to 40 centimeters इन द मैन एंड 36 to 38 centimeters इन द वुमन्स। एंड नेक्स्ट इज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लोजली एसोसिएटेड विद डेंटल कैविटीज इन स्ट्रेप्टोकोकस सैंगुइस, ठीक है। डेंटल कैरीज जो होती हैं वो मोस्ट क्लोजली एसोसिएट होती हैं विद स्ट्रेप्टोकोकस सैंगुइस। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम ज़रूर याद रखना, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट इज सैलिवरी ग्लैंड, द लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड इज पैरोटिड ग्लैंड। 3 पेयर होते हैं सैलिवरी ग्लैंड के, और उसमें से जो लार्जेस्ट है वो है पैरोटिड ग्लैंड। नेक्स्ट इज सब मैक्सिलरी ग्लैंड विच इज़ द ग्लैंड विद लॉन्गेस्ट डक्ट। जो लॉन्गेस्ट डक्ट होती है ग्लैंड की वो है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड की लॉन्गेस्ट डक्ट होती है। एंड ग्लोसाइटिस, ग्लोसाइटिस का मतलब है टंग, इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग इट टर्म्ड एज ग्लोसाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपर GI ब्लीडिंग। अपर GI ब्लीडिंग का जो मोस्ट कॉमनली कॉज है वो क्या है। अपर GI सिस्टम में आपको पता होना चाहिए, अपर GI सिस्टम में आपका माउथ आता है, ईसोफेगस आता है, ठीक है, एंड स्टमक का अपर पार्ट आता है, ठीक है, अपर पोर्शन ऑफ एब्डोमन एंड स्टमक अपर पार्ट ऑफ स्टमक, वो अपर GI में आता है। उसमें ब्लीडिंग जो होती है मोस्ट कॉमन क्या कॉज होता है,
गैस्ट्रिक अल्सर, ईसोफेजियल वेरिसिस, गैस्ट्राइटिस एंड कार्सिनोमा स्टमक। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर जो है मोस्ट कॉमन कॉज होता है अपर जीआई ब्लीडिंग के लिए। नेक्स्ट इज पेन इन मैकबर्नी पॉइंट इज करेक्टराइज्ड फीचर ऑफ। मैकबर्नी पॉइंट में पेन होना वो किसका फीचर है? कॉलिलिथियासिस, अपेंडिसाइटिस, यूरोलिथियासिस एंड नेफ्रोलिथियासिस। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपेंडिसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स, इन्फेक्शन ऑफ अपेंडिक्स, जिसमें कि जो मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रहता है पेशेंट का वो ये होता है मैकबर्नी पॉइंट पे पेन रहना। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द डिस्चार्ज टीचिंग ऑफ पेशेंट हु इज ट्रीटेड फॉर अम्बिलिकल हर्निया। एक पेशेंट है जिसको अम्बिलिकल हर्निया का ट्रीटमेंट दिया गया था अस्पताल में, और उसके डिस्चार्ज टीचिंग में कौन सी इंस्ट्रक्शन को इंक्लूड करना इम्पॉर्टेंट है? चार ऑप्शन हैं, मेंटेन द बेड रेस्ट, रेस्ट्रिक्ट द एनाल्जेसिक्स, अवॉइड द कफिंग एंड इरीगेशन ऑफ द ट्रेन। आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, अवॉइड कफिंग, बिकॉज एक्सप्लेनेशन दे रखी है कफिंग शुड बी अवॉइडेड फॉलोइंग द अम्बिलिकल हर्निया रिपेयर टू प्रिवेंट द डिस्ट्रप्शन ऑफ टिश्यू इंटीग्रिटी। ठीक है, जो टिश्यू की इंटीग्रिटी को रिपेयर किया गया है अम्बिलिकल हर्निया में, कफिंग के टाइम में क्या होगा पेशेंट का, वो जो रिपेयरमेंट है वो डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉय हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव स्वेलिंग इन अ पेशेंट आफ्टर इंग्विनल हर्निया रिपेयरमेंट। पेशेंट का इंग्विनल हर्निया रिपेयरमेंट हुआ है और उसके बाद पूछा गया है इस पेशेंट का कौन सा इंटरवेंशन करना चाहिए जिससे कि पेशेंट की पोस्ट ऑपरेटिव स्वेलिंग को हम कम कर सकते हैं। पोस्ट ऑप स्वेलिंग जो है, ठीक है, उसको कम करने के लिए कौन सा इंटरवेंशन बेस्ट है? लिमिट द फ्लूड इनटेक, हीट एप्लीकेशन ऑन द एब्डोमेन, एलिवेट द स्क्रॉटम एंड लो फाइबर डाइट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एलिवेट द स्क्रॉटम। एलिवेट करेंगे स्क्रॉटम को जिससे कि स्वेलिंग को सबसाइड किया जा सकता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द माउथ इज कॉल्ड स्टोमेटाइटिस। आपने पिछले टर्म में पढ़ा था इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग, बट यहाँ पे पूछा गया है इन्फ्लेमेशन ऑफ द माउथ। माउथ में इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होने की वजह से उस टर्म को हम बोलेंगे स्टोमेटाइटिस, जो कि पुअर ओरल हाइजीन रखने की वजह से होता है। तो स्टोमेटाइटिस की कंडीशन में पेशेंट को गुड ओरल हाइजीन मेंटेन रखने के लिए कहा जाता है। आयरन एब्जॉर्प्शन अकर इन द ड्यूडेनम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ नोट डाउन एंड टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर योर पर्पस ऑफ स्टडी। ठीक है, आपका जो ये पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन एब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन आता है कई बार कि जो आयरन एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन विच पार्ट डैश डैश डैश। चार ऑप्शन आपके सामने आएंगे, आपको पता होना चाहिए ड्यूडनम। ड्यूडनम इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, जो कि स्टमक के पाइलोरस से कंटिन्यू होकर ड्यूडनम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, पाइलोरस के बाद ड्यूडनम आता है, ड्यूडनम पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जहाँ पर आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट है, लियोमायोमा इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बिनाइन ईसोफेजियल ट्यूमर। ठीक है, जो बिनाइन ईसोफेजियल ट्यूमर होता है वो किस टाइप का होता है? लियोमायोमा टाइप का होता है, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप है। एंड द नेक्स्ट इज एडिनोकार्सिनोमा इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ ईसोफेगस। यहाँ पे आपकी बिनाइन ट्यूमर की बात की गई थी, क्वेश्चन में आएगा द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बिनाइन ट्यूमर ऑफ ईसोफेगस, तो आपको लिखना है लियोमायोमा। ओके, लियोमायोमा। बट अगर क्वेश्चन में आपके ऐसा आता है कि द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ ईसोफेगस, तो आपको क्वेश्चन में टिक लगा कराना है एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, यहाँ पे बिनाइन एंड मैलिग्नेंट का फ़र्क है। ठीक है, तो आपको ये लगा कर आना है, एग्ज़ाम में राइट आंसर लगाना है, बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। ध्यान से इस बात को आप समझे जो मैंने आपको पॉइंट अभी समझाए हैं। लियोमायोमा इज़ अ बिनाइन ईसोफेजियल ट्यूमर एंड एडिनोकार्सिनोमा इज़ अ मैलिग्नेंट ईसोफेजियल ट्यूमर। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर आउट हो चुका होगा आपको। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अ 60 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट हैज़ अंडरवेंट बैरियाट्रिक सर्जरी। ठीक है,
एक 60 ईयर का ओल्ड मेल पेशेंट है जिसकी बैरियाट्रिक सर्जरी हुई है, ठीक है, बैरियाट्रिक सर्जरी, ओके, बैरियाट्रिक सर्जरी अ फ्यू मंथ्स बैक. नाउ द पेशेंट एक्सप्रेस टू द नर्स दैट हिज स्किन इज हैंगिंग एंड मे नीड द कॉस्मेटिक सर्जरी. विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स बाई द नर्स वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट. पेशेंट की बैरियाट्रिक सर्जरी हुई है और कुछ टाइम पहले, और अब पेशेंट ने बताया है नर्स को कि जो उसकी स्किन है वो हैंगिंग हो चुकी है एंड अब उसको कॉस्मेटिक सर्जरी की ज़रूरत है. तो जो नर्स का जो रिस्पॉन्स होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट वो क्या होगा, चार ऑप्शन में से आपको बताना है. यू नीड टू डिस्कस विद अ काउंसलर अबाउट योर बॉडी इमेज. कॉस्मेटिक सर्जरी इज पॉसिबल आफ्टर योर वेट इज स्टेबलाइज. द स्किन फोल्ड विल डिसअपियर विद टाइम एंड कॉस्मेटिक सर्जरी इज अननेसेसरी एज यू आर इम्प्रूविंग ऑलरेडी. चार में से आपको जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि आपका जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा अप्रोप्रिएट वो ये रहने वाला है कि जो कॉस्मेटिक सर्जरी है वो पॉसिबल तब होगा जब आपका जो वेट है स्टेबलाइज हो जाएगा. ओके, अब आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ चुके हैं. की पॉइंट, स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ऑफ गट इज सब म्यूकोसा. चार लेयर्स होती हैं म्यूकोसा की, सॉरी हमारे GI एलिमेंट्री ट्रैक्ट की. पहले आपकी जो ये लेयर है आउटर लेयर सब म्यूकोसा, वो स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर होती है गट की, ठीक है. तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है सीकम. सीकम इज़ द थिनेस्ट मस्कुलर वॉल एंड मोस्ट वल्नरेबल फॉर द परफोरेशन एंड लीस्ट वल्नरेबल फॉर द ऑब्स्ट्रक्शन. सीकम जो है एक थिनेस्ट, सबसे थिनेस्ट मस्कुलर वॉल होती है इंटेस्टाइन की, और सीकम जो है लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, ठीक है. लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है जो कि काफ़ी थिनेस्ट होता है, और सीकम जो है बहुत वल्नरेबल होता है परफोरेट होने के लिए, और साथ ही साथ लीस्ट वल्नरेबल है ऑब्स्ट्रक्शन. ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस बहुत ही ना के बराबर होते हैं सीकम में, बट सीकम में परफोरेशन के हाईएस्ट चांसेस होते हैं, ठीक है. द नेक्स्ट इज कोलोन का जो वाइडेस्ट पोर्शन है वो है सीकम. सीकम जैसा कि मैंने अभी नेक्स्ट प्रीवियस पॉइंट में आपको बताया, सीकम जो है वाइडेस्ट पोर्शन है कोलोन का. एंड अब आपको पता होना चाहिए लार्ज इंटेस्टाइन का जो नैरोएस्ट पार्ट है, वो नैरोएस्ट पार्ट है सिग्मोइड कोलोन, और जो ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस हैं सिग्मोइड कोलोन में ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वो नैरोएस्ट पार्ट होता है कोलोन का. अब यहाँ आ रही है असेंडिंग कोलोन जो है कोलोन का शॉर्टेस्ट पार्ट है. एरिया ऑफ कोलोन आर द लीस्ट विजुलाइज बाई बेरियम स्टडी इज सिग्मोइड कोलोन. सिग्मोइड कोलोन जो है एक ऐसा एरिया है कोलोन का जहाँ पे बेरियम स्टडी की जो विजुलाइजेशन है बहुत लीस्ट, बहुत कम रहती है, ठीक है. नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्गन टू बी अफेक्टेड इन सीए स्टमक. अगर पेशेंट को सीए स्टमक है, कैंसर ऑफ स्टमक, तो जो पहला ऑर्गन अफेक्ट होगा इससे वो है लीवर. अब नेक्स्ट है पाइलोरी इज अ रिस्क फैक्टर फॉर इंटेस्टिनल टाइप ऑफ सीए स्टमक. ओके, जो पाइलोरी एच पाइलोरी का जो इन्फेक्शन होता है वो जो इन्फेक्शन होता है वो रिस्क फैक्टर होता है इंटेस्टिनल टाइप के सीए स्टमक के लिए, ठीक है. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आ चुका है यूरिया ब्रीथ टेस्ट. यूरिया ब्रीथ टेस्ट जो है इन एक्सहेल्ड ब्रीथ इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं जो हमारी एक्सहेल्ड ब्रीथ होती है उसको डिटेक्ट किया जाता है यूरिया ब्रीथ, यूरिया डिटेक्ट किया जाता है. अगर हमारी ब्रीथ में यूरिया प्रेजेंट होगा तो ये टेस्ट पॉजिटिव होगा, और इस पेशेंट को हम बोल सकते हैं कि पेशेंट को एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है या एच पाइलोरी बैक्टीरिया प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज कूलेंट साइन. द कूलेंट साइन जो है हेमरेजिक पेनक्रेटाइटिस, बीच में जो आपकी अम्ब्लाइकस होती है उसके सराउंडिंग में ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है जिसको हम कुलेन साइन बोलते हैं, जो कि मोस्ट प्रायोरिटी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है फॉर द हेमरेजिक पेनक्रेटाइटिस. द नेक्स्ट इज पॉइंट इज मिरीजी सिंड्रोम. द मिरीजी सिंड्रोम जो है गोल्ड स्टोन गेट इम्पैक्ट इन द सिस्टिक डक्ट और नेक ऑफ द गोल्ड ब्लैडर एंड कॉज द कंप्रेशन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट. मिरीजी सिंड्रोम में क्या होता है, जो गोल्ड ब्लैडर का स्टोन होता है वो सिस्टिक डक्ट में या नेक ऑफ द गोल्ड ब्लैडर में अटक जाता है, स्टक हो जाता है, जिसकी वजह से कॉमन बाइल डक्ट में कंप्रेशन कॉज होता है और उस कॉज की वजह से मिरीजी सिंड्रोम क्रिएट होता है. हिमैटेमेसिस. हिमैटेमेसिस का मतलब है हिमैट, हीम, हीम मतलब ब्लड, एमेसिस मतलब वॉमिटिंग. सो दिस टर्म इज यूज इन द ब्लड इन द वॉमिटस, ठीक है. जब ब्लड वॉमिटस में प्रेजेंट होता है
तो उस टर्म को हम बोलते हैं हिमाटेमेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 60 ईयर ओल्ड मैन सफरिंग फ्रॉम लेफ्ट कोलोन कैंसर एंड प्रेजेंटेड विद एक्यूट लेफ्ट कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन एंड द ट्रीटमेंट इज, अगर एक 60 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट को लेफ्ट कोलोन कैंसर है विद एक्यूट लेफ्ट कोलोन ऑब्स्ट्रक्शन, तो ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है? प्राइमरी रिसेक्शन एंड हार्टमैन प्रोसीजर, डिसफंक्शनिंग ऑफ कोलोस्टमी, राइट हेमिकोलेक्टमी एंड रिसेक्शन एंड एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस टाइम पे हम पेशेंट के लिए प्लान करेंगे प्राइमरी रिसेक्शन एंड हार्टमैन प्रोसीजर। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज, द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ फ्लैक्चुएट द जॉन्डिस इन मिडल एज एल्डरली मैन, ठीक है, एक मिडल एज एल्डरली मैन में जॉन्डिस फ्लैक्चुएट होगा, जिसका कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पेरी एम्पुलरी कैंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसमिटेड बाई नीडल स्टिक इंजरी, अगर किसी स्टाफ को या पेशेंट को नीडल स्टिक इंजरी हो गई है तो उसकी वजह से कौन सी जो प्रॉब्लम है ट्रांसमिट नहीं होगी? HIV हो जाती है ट्रांसमिट, हेपेटाइटिस बी भी हो जाती है, हेपेटाइटिस सी भी हो जाती है, बट स्क्रब टाइफस नीडल स्टिक इंजरी से ट्रांसमिट नहीं होता है। आपका राइट आंसर सी रह गया है स्क्रब टाइफस। वाइल प्रोवाइडिंग केयर टू अ पेशेंट विद हेपेटाइटिस, अब एक पेशेंट है जिसको हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है और नर्स उस पेशेंट की केयर कर रही है, द नर्सिंग ऑफिसर शुड टेक द स्पेशल प्रिकॉशन। अब नर्सिंग ऑफिसर क्या स्पेशल प्रिकॉशन लेगी उस टाइम पर? प्रिवेंट द ड्रॉपलेट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, यूज द कॉशन व्हेन ब्रिंगिंग द फूड फॉर द पेशेंट, वियर द मास्क एंड गाउन बिफोर एंटरिंग द रूम एंड यूज द ग्लव व्हेन रिमूविंग द पेशेंट्स बेड पैन। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूज द ग्लव्स। ग्लव्स को यूज़ करेंगे जब पेशेंट का बेड पैन रिमूव करेंगे, क्योंकि बॉडी फ्लूड से हेपेटाइटिस ट्रांसमिट होता है और यूरिन एक फ्लूड है बॉडी का जिससे कि हेपेटाइटिस ट्रांसमिट होगा, ठीक है। आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ चुका है SGOT एंड SGPT, ये एक ST रेशियो होता है जो कि LFT लीवर फंक्शन टेस्ट कराते टाइम पे SGOT SGPT की वैल्यूज़ आती हैं, जो कि अगर 3:1 हाई है, अगर 3:1 का रेशियो जो ये हाई आ रहा है तो ये हाईली सजेस्टिव करेगा कि पेशेंट को अल्कोहलिक लीवर डिजीज है। नेक्स्ट इज AST इज मोर देन ALT इज सीन इन सिरोसिस लीवर, सिरोसिस की कंडीशन में देखा जाएगा। एंड CAGE क्वेश्चनर इज यूज इन द क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस एंड अब्यूज, आपको क्वेश्चन में आएगा यूजेज ऑफ केज CAGE क्वेश्चनर, तो आपको आपका जो राइट आंसर वो ये रहेगा कि पेशेंट का क्लिनिकल डायग्नोसिस करेंगे अल्कोहल डिपेंडेंस पेशेंट का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहीं पे मिल गया है दोस्तों, नॉर्मल पोर्टल वेन प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। नॉर्मल जो पोर्टल वेन का प्रेशर होता है वो 5 to 10 mg 10 mm of Hg होता है या 10 to 15 cm ऑफ वाटर, ओके। द नेक्स्ट इज ग्राउंड ग्लास हेपेटोसाइट्स आर सीन इन क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस। द नेक्स्ट इज कर्निक टेरस जो है विच मे अकर एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ जॉन्डिस इज द पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ, कर्निक टेरस एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन होती है जॉन्डिस की जो कि पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है कौन से ऑर्गन की? आपका राइट आंसर है लीवर, ब्रेन, किडनी एंड हार्ट। आप आंसर देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी ब्रेन, क्योंकि लीवर में जॉन्डिस क्रिएट होता है और उसका जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल है जब बॉडी में हाई हो जाता है तो वो सीधा जाके ब्रेन में कलेक्ट हो जाता है, जिसके वजह से पेशेंट को कर्निक टेरस की कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होती है ब्रेन में और कर्निक टेरस ब्रेन को अफेक्ट करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मर्फी साइन इज सीन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कंडीशन, इनमें से कौन से डिजीज कंडीशन में मर्फी साइन देखने को मिलता है? मर्फी साइन राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी कोलेसिस्टाइटिस। कोलेसिस्टाइटिस की कंडीशन में आपको मर्फी साइन देखने को मिलेगा। एंड विच मैनोवर इज डन टू टेम्पररली
स्टॉप द इनएडवर्टेंट ब्लीडिंग ड्यूरिंग द कॉलेसिस्टेक्टमी। कॉलेसिस्टेक्टमी के टाइम पे कौन सा मैन्यूअल यूज़ करेंगे जब अगर पेशेंट के टेम्परली हमें इनएडवर्टेंट ब्लीडिंग मतलब कॉन्टिन्यू जो ब्लीडिंग हो रही है उसे स्टॉप करना है टेम्प्ररी बेसिस पे, तो कौन सा मैनुअल यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे प्रिंजल मैनुअल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा बता देते हैं। जो प्रिंजल मैनुअल होता है इज़ अ वन टेक्निक होती है वो दैट अनेबल द सर्जन टू हार्ड द हैमरेज एंड फाइंड द सोर्स ऑफ ब्लीडिंग एंड अलाउइंग द टाइम फॉर द रिपेयरमेंट ऑफ द वेसल्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर द कोलेसिस्टेक्टमी there was 50 ml bile output from the drain on the first post op day management is ठीक है sorry अगर पेशेंट को कोलेसिस्टेक्टमी हुआ है और उसका 50 ml का बाइल का आउटपुट हुआ है ड्रेन हुआ है 50 ml आउटपुट पहले पोस्ट ऑफ डे ऑफ मैनेजमेंट में, तो आपको बताना है कि ये किसके थ्रू हुआ है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मतलब कि आपको इसका मतलब क्लियर आउट कर देती हूँ। पेशेंट का अगर कोलेसिस्टेक्टमी हुआ है पहले पोस्ट ऑफ डे में उसे 50 ml का आउटपुट हुआ है बाइल का, तो पोस्ट ऑफ डे में क्या मैनेजमेंट होगा ये पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ऑब्जर्वेशन बोला गया है, तो मतलब ये है कि ये सब कुछ नॉर्मल है, आपको बस पेशेंट को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, और कुछ नहीं, बस ऑब्जर्व करना है। फर्स्ट पोस्ट ऑफ डे का मैनेजमेंट यही रहेगा। तो विल्सन डिजीज इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ कॉपर मेटाबॉलिज्म, आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। विल्सन डिजीज जो है डिसऑर्डर ऑफ कॉपर मेटाबॉलिज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विल्सन डिजीज के बारे में, जो कि कॉपर के मेटाबॉलिज्म की डिजीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग एनास्टोमोसिस आर डन इन द विपल प्रोसीजर। ठीक है, विपल प्रोसीजर के टाइम पे एनास्टोमोसिस किया जाता है किसी एक को छोड़ के एक्सेप्ट वन। हेपेटिक को जेजनोस्टमी, पेनक्रेटो गैस्ट्रेक्टमी, गैस्ट्रो जेजनोस्टमी एंड जेजनो जेजनोस्टमी। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या होगा, विपल प्रोसीजर में जेजनोस्टमी नहीं होता है, इसमें ये तीनों होते हैं बट ये नहीं होता है, तो आपका राइट आंसर यही है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आज की जो क्लासेस थी कंप्लीट हो चुकी है। जीआई सिस्टम के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया एग्जाम के पर्पज़ से, और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जीआई सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, एमसीक्यूज मिलेंगे, ओनली एमसीक्यूज। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी। और वीडियो को एंड तक आपने देखा, थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि सारे अपडेट्स आपको मिल सकते हैं टाइम से। तो तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।